हेलो फ्रेंड्स वेलकम है कैसे आप सब होप यू ऑल आर डिंग गुड मैं फिर से आ गई आप लोगों के लिए न्यू रीडिंग लेकर एंड आज की रीडिंग में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि क्या आपकी इस ईयर मैरिज होगी दैट मीन्स अगर आप 2021 में देख रहे हैं तो दो हज़ार वर्ष में आपकी मैरिज होगी और अगर आप दो में वर्ष में देखेंगे तो दो हज़ार में ये टाइमलेस रीडिंग है जिस भी ईयर में आप ये रीडिंग देखेंगे तो विद इन ट्वेल्व मंथ्स विद इन अ ईयर आपके मैरिज होगी ठीक है तो ये अपलोड कर रही हूँ मैं जनवरी ट्वेंटी ट्वेंटी वन में तो डेफिनेटली आप चेक कर सकते हैं कि क्या पूरे दो हज़ार इक्कीस में आपके मैरिज होगी और अगर आप नेक्स्ट ईयर चेक करते हैं या फिर जून में चेक करते हैं तो वो टाइम पीरियड जून से नेक्स्ट जून तक हो जाएगा ओके तो विद इन ट्वेल्व मंथ्स विद इन अ ईयर क्या आपके मैरिज होगी राइट हमारे पास है दो पाइल पाइल नंबर वन हैप्पी फैमिली पाइल नंबर टू तो, केयरिंग कनेक्शन टाइमलेस रीडिंग है जब भी देखेंगे रेजोनेट करेगी जनरल है ज़रूरी नहीं है सभी चीज़ें सभी के लिए हों जो आपके लिए हैं उसे पिक करें एंड लीव द रेस्ट ओके विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं रीडिंग की ओर वेलकम पाइल नंबर वन जिन्होंने ये ब्यूटीफुल सा कार्ड चूज़ किया है हैप्पी फैमिली हम इस रीडिंग में चेक करने वाले हैं कि क्या आपके मैरिज इस ईयर होगी फोर आप लोगों का लकी नंबर हो सकता है ट्वेंटी टू लकी नंबर हो सकता है थर्टीन आप लोगों के लिए लकी हो सकता है टू आप लोगों के लिए लकी हो, हो सकता है या फिर आपके बर्थडेस वगैरह हो सकते हैं इस मंथ में डिवाइन में आपका काफ़ी ज़्यादा बिलीव है फैमिली आप लोगों की फर्स्ट प्रायोरिटी है मैरिज के बाद हैप्पी फैमिली आप लोग चाहते हैं एंड फुल इंजॉय लाइफ में करना चाहते हैं डिवाइन से प्रॉपर ब्लेसिंग मांग रहे हैं मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं मैक्सिमम लोगों की मैरिज ऑलरेडी जिन्होंने ये वाला पाइल चूज़ किया है डीले हो रही है डीले हो रही है पोस्टपोन हो रही है गाइज ये जनरल प्रिडिक्शंस हैं जरूरी नहीं है सभी प्रिडिक्शन सबके लिए हैं जिनके लिए जो रेजोनेट करता है वो रखें एंड लीव द रेस्ट पॉजिटिव रहें और किसी भी चीज़ पर स्टक ना हो अब देखते हैं टारो क्या कहते हैं हम लोग चेक करने वाले हैं क्या इस ईयर विद इन ट्वेल्व मंथ्स आप लोगों की मैरिज होगी ओके द हाईरो और होगी तो किस मंथ में होगी डेफिनेटली मैं वो भी बताऊंगी थ्री ऑफ कप्स एंड टेन ऑफ शोर्ट्स ओके तो ये कार्ड्स हैं आप लोगों के okay? जिन्होंने पाइल नंबर वन हैप्पी फैमिली चूज किया है अब सही से दिख रहे हैं इस रीडिंग में हम आपकी बात कर रहे हैं तो कैंसर पाइस स्कॉर्पियो टोरस लिब्रा अक्वेरियस आप हो सकते हैं या फिर अगर आपके लाइफ में कोई पर्सन है तो उनकी एनर्जीज या उनकी जोड़ी भी हो सकते हैं आप लोग काफी स्पिरिचुअल हैं आप में से काफी लोग टारो रीडर्स हैं रैके हिलर्स हैं मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं टीचर्स हैं नर्स हैं डॉक्टर्स हैं एंड वहीं कुछ लोग मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहे सोशल मीडिया साइट्स पर हैं या फिर uh, uh, कहते हैं ना वो इवेंट ऑर्गेनाइजर इवेंट ऑर्गेनाइजर आप या आपके पर्सन डेफिनेटली हो सकते हैं ओके okay? जो इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं मैरिज एंगेजमेंट ठीक है वेडिंग प्लानर होते हैं तो हम इसमें चेक करने वाले हैं क्या इस ईयर आपके मैरिज होगी होगी तो किस मंथ होगी ये टाइमलेस रीडिंग है अगर आप आज देख रहे हैं तो अब से नेक्स्ट ट्वेल्व मंथ्स अगर आप जून में देखेंगे तो जून से नेक्स्ट ट्वेल्व मंथ्स अगर आप दिसंबर में देखेंगे तो दिसंबर से नेक्स्ट ट्वेल्व मंथ जिस भी मंथ आप देख रहे हैं नेक्स्ट ट्वेल्व मंथ्स की ये प्रिडिक्शन है राइट right? तो या हेयर इज द फाइव परसेंट बिग यस कि इस ईयर आपके मैरिज होगी एंड डेफिनेटली होगी एंड हंड्रेड एंड टेन परसेंट होगी बहुत टाइम से आप वेट कर रहे हो एंड कुछ लोग सेकेंड मैरिज के बिहाफ से भी यहाँ पे देख रहे हैं जिन्होंने ये पायल चूज किया है एंड इस ईयर आपकी मैरिज डेफिनेटली होगी एंड कौन कौन से मंथ्स होगी अब हम वो चेक करेंगे तो जैसे जनवरी में आप देख रहे हैं तो आपके वेडिंग मार्च अप्रैल में हो सकती है मई जून में हो सकती है अक्टूबर और नवंबर में भी हो सकती है ठीक है तो ये कुछ पॉसिबल मंथ्स हैं जिनमें आपकी मैरिज होगी एंगेजमेंट होगी मैरिज के बाद आगे बढ़ेगी एंड इन सब में मोस्ट पोमिनेंट मंथ्स जो हैं वो हैं मे एंड जून मे जून जुलाई ओके मे जून जुलाई से आगे वाले मंथ्स मे जून भी जुलाई भी ठीक है मे जून जुलाई अक्टूबर नवंबर मार्च अप्रैल ये प्रोमिनेंट मंथ्स हैं जब आपकी मैरिज हो सकती है ठीक है जैसे जनवरी में देख रहे हैं मार्च अप्रैल दैट मीन्स टू मंथ्स आगे ऐसे ही अगर आप जून में देख रहे हैं तो जुलाई अगस्त तब आप अगस्त को लगाकर चलिए ओके तो आप लोगों की मैरिज के मंथ्स रहेंगे मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अक्टूबर नवंबर इन मंथ्स में आपके मैरिज हो सकती है इस ईयर मैरिज के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चांसेस हैं नाइन्टी फाइव परसेंट ये इसके चांसेज हैं आप में से कुछ लोग पास्ट लाइफ ट्रोमा से या फिर पास्ट लाइफ धोखे से कि कुछ लोगों को डिच किया है लोगों ने कुछ लोगों को परेशान किया है लोगों ने उनसे निकल नहीं पा रहे हो अगर पास्ट लाइफ कोई कनेक्शन आपका टूटा है तो आप लोग उनसे निकल नहीं पा रहे हो जिसकी वजह से चीज़ें आपकी डिले हो रही हैं अगर आप मैरिज के प्रोस्पेक्ट से आगे बढ़ो तो डेफ़िनेटली कोई स्पिरिचुअल पर्सन जो आपके सोलमेट होंगे उनके साथ आपकी मैरिज भी पॉसिबल है और आपकी अच्छी फैमिली भी पॉसिबल है राइट right? अगर कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप था या है तो डेफिनेटली उससे बाहर निकलो मैरिज के प्रोस्पेक्ट से आगे बढ़ो और अगर कोई ऐसा पर्सन है जो टॉक्सिक नहीं है लेकिन जस्ट सिचुएशन टॉक्सिक है तो डेफिनेटली वो आगे बढ़ेगा बढ़ेगी बढ़ेगा या बढ़ेगी एंगेजमेंट होगी मैरिज होगी फैमिली की रजामंदी से होगी एंड प्रीस्ट के द्वारा होगी ओके okay? तो बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं आपके तो डेफिनेटली ट्वेंटी ट्वेंटी वन में आप लोगों की मैरिज होगी डिले हो रही है पोस्टपोन हो रही है कुछ लोग सेकेंड मैरिज के भी आपसे देख रहे हैं आई कैन अंडरस्टैंड एंड कुछ लोगों की फर्स्ट मैरिज ही है जो डिले होती चली जा रही है बट डेफिनेटली इस ईयर आपके मैरिज के बहुत 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 अच्छे चांसेस हैं एंड ऐसा भी हो सकता है कि आपका कोई हाल फिलहाल में रिश्ता टूटा हो या फिर इससे पहले कोई रिश्ता टूटा हो अब आप सेकेंड किसी पर्सन को देख रहे हो तो डेफिनेटली यहाँ मैरिज पॉसिबल है ओके okay? तो ये थी आप लोगों की रीडिंग होप की होगी होप पसंद आई होगी फॉर मोर क्लैरिटी आप लोग पर्सनल पे रीडिंग्स भी बुक करा सकते हैं बाय फॉर नाउ हैव अ गुड डे टेक केयर वेलकम फाइल नंबर टू जिन्होंने केयरिंग कनेक्शन चूज किया है डेफिनेटली फोर्टीन uh, आपके लिए इंपॉर्टेंट डेट हो सकती है फाइव आपके लिए इंपॉर्टेंट डेट्स हो सकती हैं ट्वेंटी थ्री आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है ठीक है फोर्टी वन आपको कोई नंबर दिख सकता है फोर्टी वन फोटीन इस तरह का वन 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 फोर 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 ओके तो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगी कि क्या इस ईयर आपकी मैरिज होगी टाइमलेस रीडिंग है जब भी आप देखेंगे उसको ट्वेल्व मंथ्स का टाइम पीरियड आप लेके चल सकते हैं होगी या नहीं होगी और किस मंथ में होगी वो भी मैं डेफिनेटली आपको बताने वाली हूँ तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं रीडिंग की ओर ये टाइमलेस है और ये जनरल भी है जितनी रेजोनेट करे उसको रखें एंड लीव द रेस्ट पॉजिटिव रहें किसी भी चीज पे स्टक ना हो लाइफ में आगे बढ़ें फोर ऑफ पेंटिकल्स नाइन ऑफ कप्स एंड एट ऑफ कप्स कैंसर पार्सिस स्कॉर्पियो आप हो सकते हैं अगर आप किसी पर्सन से डील कर रहे हैं तो वो पर्सन हो सकते हैं टोरिस वर्गो कैप्रिकॉन की भी हायर एनर्जी है यहाँ पर आप मुझे लग रहा है कि आप लोग लव लाइफ में हैं ऑलरेडी लव लाइफ में डील कर रहे हैं रोमांटिक पार्टनर चाहते हैं या फिर उस लाइफ में एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं रोमांस चाहते हैं नया पैशन चाहते हैं नया एडवेंचर चाहते हैं केयरिंग कनेक्शन चाहते हैं अपनी लाइफ जर्नी किसी पर्सन के साथ डेफिनेटली स्टार्ट करना चाहते हैं रोजेज आपको बहुत पसंद है वाइट पिंक या रेड कैसे भी येलो कलर आप लोगों का फेवरेट है डेफिनेटली रेड फेवरेट है पिंक फेवरेट है वाइट भी कुछ लोगों का काफ़ी ज़्यादा फेवरेट कलर है केयरिंग कनेक्शन आप चाहते हैं आप थक चुके हैं uh, किसी चीज़ में डील करते करते अब आप चाहते हैं कि वो चीज़ें केयरिंग कनेक्शन में बदल जाए और अगर आप नहीं भी डील कर रहे हैं तो ये जर्नल रीडिंग है जो रेजोनेट हो रही है उसको रखे एंड लीव द रेस्ट डेफिनेटली कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो आफ्टर मैरिज केयरिंग कनेक्शन चाहते हैं लव रोमांस ईच एंड एवरी थिंग चाहते हैं एंड कुछ लोग ऑलरेडी भी रिलेशनशिप में हैं आई थिंक सेवेंटी फाइव परसेंट लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं जो जल्दी से मैरिज करना चाहते हैं केयरिंग लविंग कनेक्शन चाहते हैं उस पर्सन के साथ बिकॉज आप लोग डील करते करते थक चुके हैं एंड अब आप चाहते हैं कि एकदम से पॉजिटिव चेंजेस इस रिश्ते में आ जाए ओके okay, आपके पर्सन अब तक हो सकता है बहुत स्टब बन रहे हो जिद्दी रहे हो खुल के फीलिंग्स को एक्सप्रेस ना किया हो रिश्ते को आगे ना बढ़ाया हो कभी आपके लाइफ में बहुत अच्छे से डील किया हो कभी मूव ऑन कर गए हो कभी आपको इग्नोर किया हो कभी अपने कंफर्टेबल जोन से वो बाहर ना निकलना चाह रहे हो ऐसी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि क्या आपकी मैरिज इस ईयर होगी तो या इस ईयर आपके मैरिज के सुपर डुपर चांसेस हैं और ये चांसेस हैं एटी फाइव परसेंट एटी फाइव परसेंट चांसेज हैं कि आपके इस ईयर मैरिज हो जाए एंड अब मैं मंथ्स बताऊंगी कि किस किस मंथ पॉसिबल है तो इस ईयर नवंबर में इस ईयर नवंबर और दिसंबर में आपके मैरिज पॉसिबल है आई नो कि जनवरी में आप रीडिंग देख रहे हैं नवंबर और दिसंबर बिल्कुल ही एंड बता दिया है मैंने बट जो कार्ड्स कह रहे हैं मैं वही बता रही हूँ क्योंकि आ, कोई पर्सन है जो इस कनेक्शन से भाग रहा है कोई पर्सन है जो मैरिज से भाग रहा है भाग कोई पर्सन है जिसको पुराने गम सता रहे हैं कोई पर्सन है जो पास्ट लाइफ इश्यूज़ को भूल नहीं पा रहा है कोई पर्सन है जो ओवर सेंसिटिव ओवर इमोशनल है आप या आपके पर्सन जिसकी वजह से वो मारे से भागेंगे जल्दी से एक्सेप्टेंस नहीं लेकर आएंगे या फिर नहीं लेकर आ रहे हैं अप्रैल में भी कुछ पॉजिटिव चेंजेस इस पर्सन में हो सकते हैं कि जब ये पर्सन ये ठान ले कि आपको किसी भी कोस्ट पर ये खो नहीं सकते आप इनके सब कुछ हैं ठीक है अप्रैल कुछ लोगों के लिए फेवरेबल मंथ हो सकता है जिसमें इन पर्सन को ये समझ में आ जाएगा कि डेफिनेटली आप ही इनके सब कुछ हैं और ये आपको खो नहीं सकते किसी भी कोस्ट पर अगर कुछ भी इनका टेंशन था फाइनेंस कैरियर फैमिली तो इनको समझ में आ जाएगा कि अगर अभी भी इन्होंने उसको प्राइमरीली फोकस किया तो शायद ये आपको खो देंगे राइट तो डेफिनेटली अप्रैल ये मंथ लग रहा है जब इन्हें रियलाइजेशन हो गया हो जाएगा कि आपके बिना इन्हें रहना ही नहीं है देन मई ये मंथ लग रहा है जब पॉजिटिव चेंजेस आप लोगों के रिश्ते में आने स्टार्ट हो जाएंगे नवंबर वो मंथ लग रहा है जब आपकी मैरिज फिक्स हो जाएगी या मैरिज हो जाएगी या फिर एटलीस्ट एंगेजमेंट हो जाएगी एंड या डेफिनेटली इस मैरिज पॉसिबल है फेवरेबल मंथ्स हैं अप्रैल मई नवंबर दिसंबर राइट पॉजिटिव चेंजेस आप लोगों की लाइफ में आ रहे हैं अबरनेस आप लोगों की लाइफ में आ रही है लव इंग केयरिंग रोमांटिक कनेक्शन आप लोगों की लाइफ में आ रहा है कुछ लोगों के लिए न्यू पर्सन होगा जिन लोगों की लाइफ में कोई नहीं है और जो लोग एक उसी पर्सन के साथ लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लाना चाहते हैं उसकी भी पॉसिबिलिटी मार्च और अप्रैल में हो जाएगी स्टार्ट जब इस पर्सन को रियलाइज हो जाएगा कि अगर अभी भी इन्होंने आपके ऊपर अटेंशन नहीं दी तो शायद दे विल लोस्ट यू ओके शायद ये आपको खो देंगे देन ये अपने जो ट्रोमा है जो अपनी प्रॉब्लम्स हैं उनसे बाहर निकलेंगे एंड आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे ठीक है आप लोगों की मैरिड लाइफ बहुत कंफर्टेबल रहने वाली है लविंग केयरिंग रोमांटिक कनेक्शन रहने वाला है प्लस आप लोग नौकर चाकर आ, घर में होंगे आप लोगों के एंड आप लोग बहुत अच्छे से राज करने वाले हो आफ्टर मैरिज राइट इस पर्सन का फाइनेंस बहुत अच्छा है कैरियर बहुत अच्छा है स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है प्लस ये पर्सन बहुत रोमांटिक केयरिंग लविंग इमोशनल और नर्चरिंग है लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी ये इमोशनल चीजों से दूर भाग रहे हैं क्योंकि इनके पास्ट लाइफ के कुछ बुरे एक्सपीरियंसेस हैं नथिंग एल्स ओके तो ये थी आप लोगों की रीडिंग कुछ लोगों के लिए इसलिए भी हो सकता है कि रिलेशनशिप से दूर भाग रहे हैं क्योंकि इनका अभी प्राइमरी फोकस इनका कैरियर है बट विद इन फोर मंथ्स दैट मीन्स अप्रैल और मई तक इनका कैरियर पहले से स्टेबल हो जाएगा और देन ये आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे ओके okay? तो ये थी आप लोगों की रीडिंग होप प्रेजेंट की होगी पसंद आई होगी फॉर मोर क्लैरिटी आप लोग पर्सनल पेड रीडिंग्स भी बुक करा सकते हो बाय फॉर नाउ हैव अ गुड डे टेक केयर लव यू